विजय माल्या के बयान पर घिरे बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगाया झूठ बोलने का आरोप। राहुल ने कहा पीएल पुनिया ने दोनों को मिलते देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया बोले 1 मार्च को जेटली और माल्या ने की थी 15 से 20 मिनट तक मुलाकात। संसद के सीसीटीवी फुटेज की हो जांच। विजय माल्या के मुद्दे पर कांग्रेस के वार से बौखलाई बीजेपी। प्रवक्ता संबित पात्रा ने माल्या का निकाला कांग्रेस से कनेक्शन। बोले किंगफिशर के मामले में बैकफुट पर हैं राहुल गांधी। बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल पर यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञ की रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण की वजह से अल्पसंख्यकों पर होते हैं हमले। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का मोदी सरकार पर हमला। बोले सेना में कटौती क्यों, कैबिनेट के वेतन भत्ते घटाएं। पीएम मोदी ने 5 लोकसभा क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। मीटिंग में कांग्रेस पर भूला हमला। विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। दूसरे चुनाव में एक दिन के लिए रोकी गई मतगणना। ईवीएम में खराबी के बाद छात्रों के 2 गुटों में हुई थी झड़प। बिहार की सीतामढ़ी मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई। मुख्य आरोपी प्रमोद पासवान गिरफ्तार। युवक की हत्या मामले में 100 से ज्यादा लोगों पर है केस दर्ज। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आशु महाराज को किया गिरफ्तार। 40 साल की महिला ने आशु पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। बाबा रामदेव ने पतंजलि के 5 प्रोडक्ट किए लॉन्च। अब पतंजलि स्टोर पर मिलेगा दूध, छाछ और पनीर। आज फिर लोगों पर पड़ी महंगाई की मार। पेट्रोल 13 पैसे बढ़कर 81 रुपए और डीजल 11 पैसे बढ़कर 73 रुपए 8 पैसे तक पहुंचा। कांग्रेस ने बोला सरकार पर हमला। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी लगा भक्तों का तांता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। क्रिप्टो करेंसी की भी कोई कानूनी मान्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आरबीआई ने कहा क्रिप्टो करेंसी ना तो करेंसी है और ना ही पैसा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बंदूकधारी ने की फायरिंग। गोलीबारी में 5 लोगों की मौत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य अवधि चुनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। चुनाव में दखल देने वाले विदेशियों पर लगेगा प्रतिबंध। ट्रंप ने जारी किया आदेश। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत को निराशा। भारतीय खिलाड़ी मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी को चीनी खिलाड़ियों ने दी मात। ISSF विश्व चैंपियनशिप निशानेबाजी में भारत को 2 स्वर्ण। 16 साल के निशानेबाज उदयवीर सिद्धु ने हासिल की जीत। टीम स्पर्धा में भी भारत को गोल्ड। रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 का टीजर जारी। दक्षिण भारत में टीजर को दिखाने के लिए 1000 से अधिक स्क्रीन किए गए बुक। और तैमूर अली खान का फुटबॉल खेलते वीडियो वायरल। पापा सैफ अली खान संग खेल के मैदान में उतरे तैमूर।